बिजनौर। खो खो खिलाड़ी का शव मिलने का मामला। मुरादाबाद एसपी रेलवे जांच के लिए बिजनौर पहुंची। एसपी रेलवे को घटनास्थल का लिया जायजा। एसपी रेलवे खिलाड़ी के परिवार से मिली। एसएसपी रेलवे मृतका के परिवार से भी मिली। एक राष्ट्रीय स्तर की खो खो खिलाड़ी की मौत से पूरे पुलिस के शासन में मचा हड़कंप। आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं से महिलाओं का लड़कियों का निकलना बहुत मुश्किल है। ये बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस घटना को अंजाम देने वाले दरिंदगी अपराधियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। उसका शव घर के करीब रास्ते में पड़ा मिला। वर्ष 2018 में युवती नेशनल स्तर पर खो खो प्रतियोगिता में भाग ले चुकी है। मृतका बीपी एड की छात्रा भी थी। वो नौकरी के लिए स्कूल में रिज्यूम लगाने घर से गई थी। छात्रा की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। 11:40 पे निकली। हमें पता नहीं था कि मतलब अब आएगी अब आएगी। मतलब फ़ोन ट्राई कर लेते हैं, फ़ोन ट्राई किया, फ़ोन आ रहा बंद। थोड़ी देर बाद में चाची की चिल्लाने की आवाज़ आ गई कि वो तेरी ताई का फ़ोन आया है कि पीछे कोई लड़की पड़ी है। वैसी हालत में बदहोश हालत में। फिर उसके बाद हम सब भाग के आए। हमारे पैरों की जमीन की लगी। उन्होंने पूछा बबली है, मैंने कहा नहीं है। हम भाग के आए सब। देखा तो वो रेलवे ट्रैक में पटरियाँ रखी है ना, उनके बीच में पड़ी मिली है। गले में दुपट्टा बहुत खींच के किसी ने जैसे गला कस के खींचा हो, उसका निशान भी है। हाथ पे खरोच के निशान है, जबरदस्ती हुई है उसके साथ। क्या रेप की आशंका जताई जा रही है उसको? जी 100% जताई नहीं जा रही है, 100% हुआ है। जैसे कपड़ों की हालत, हमने जिस हालत में उसको देखा है, उठाया है, 100% रेप हुआ। और एक का काम है नहीं, वो स्पोर्ट्स की टीचर रह चुकी है, स्पोर्ट्स की खिलाड़ी रह चुकी है। एक के बस में आने वाली बात क्या कीजिए सर? कोई शक किसी को? अभी किसी पे कोई शक नहीं है। कोई रंजिश है किसी से? कोई नहीं, किसी से कोई रंजिश नहीं। हम तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, चारों बहन भाई। अपना पढ़ाई लिखाई से मतलब, घर में दो भैंस पाल रखी हैं, अपना घर का काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। फालतू किसी से कोई? किस चीज़ की खिलाड़ी थी और कहाँ कहाँ खेल चुकी है? खो खो की खिलाड़ी थी। अब ये तो महाराष्ट्र से नेशनल खेला है, बाकी स्टेट तो वो सभी खेल चुकी है। मंडल से जाती थी। और बाकी जानकारी तुम्हें स्टेडियम के सर बता देंगे कहाँ कहाँ। महाराष्ट्र में कब खेली थी? नहीं है, वो तो उसके सारे सर्टिफिकेट रखे हैं, आपको सब दिखा देंगे। अब क्या पुलिस आम मांग करती है? चाहिए हमें, किसने करा वो पकड़े जाने चाहिए, जल्दी से जल्दी। और उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो चार लोग और भी याद रखें उन्हें देख के कि आगे ये काम हुए ना। मैम कल जो बॉडी मिली रेलवे स्टेशन पे, इसका क्या है पूरा मामला? यहाँ पे कल एक सूचना प्राप्त हुई थी चौकी बिजनौर पे कि एक लड़की की बॉडी मिली है। तो इसके ऊपर जब बॉडी मिली थी तो उसके ऊपर हमने FIR पंजीकृत कराई है सुसंगत धाराओं में, और पंचायतनामा की कार्रवाई करने के बाद अब PM उसका चल रहा है और आगे इन्वेस्टिगेशन इसमें करके सही तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। खबर भारतवर्ष के लिए बिजनौर से उस्मान मंसूरी की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र।